हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ग्रेज। फ्रेंड्स, 28 सितंबर का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। इस शिफ्ट में जितने भी मैथ और रीजनिंग के सवाल आए थे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे मैथ के 7-8 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 7-8 क्वेश्चन मिल चुके हैं, और सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल ट्रिक के साथ। आपको मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, सारे शिफ्ट में उसी तरह के ही सवाल आ रहे हैं, मतलब उसी पैटर्न का ही सवाल आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आज का जो जीके का सवाल यानी फर्स्ट शिफ्ट का, मैंने आज शाम को डाल दूंगा तीनों शिफ्ट को मिला करके, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। उसमें हम पूरे डिटेल्स में पढ़ते हैं, पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के भी साथ उसको डिस्कस करते हैं, इसलिए शाम का वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात, रेलवे ग्रुप डी का जीके सेक्शन के लिए मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज अभी चल रहा है। वहाँ पे आपको रोज दो वीडियो मिलेंगे सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का। वहाँ पे मैंने हाल ही में 300 क्वेश्चन डाले हैं, सभी को बहुत पसंद आ रहा है। लगभग वहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाइए, उसका फायदा उठाइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके पास अन अकेडमी का लर्निंग ऐप नहीं है, तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद राकेश राणा सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपका कुछ डाउट है तो मुझे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे सबका रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आज आया था, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है वो किसके ऊपर निकाला जाता है, वो क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वो विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है। ओके, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो कि क्रय मूल्य से निकाला जाता है, उसको हमें बताना है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। मान लीजिए इसका विक्रय मूल्य यानी SP 100 है, इसका लाभ क्या होगा यानी प्रॉफिट क्या होगा, इसका 25%, 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है, ऐसा समझ में। तो इसका CP क्या होगा, 75। क्यों, देखिए मान लीजिए आप एक केला को ₹10 में बेच दिया और आपको प्रॉफिट हुआ ₹2 का, आपको लाभ हुआ ₹2 का, तो आप उस केला को कितने में खरीदे थे, ₹8 में खरीदे थे, ऐसा समझ में। तो देखिए ध्यान से अभी, तो CP हो गया 75, SP हो गया 100। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी ये जो CP पे निकालना है, तो 25 बाय CP कितना है, 75, ये टोटल प्रॉफिट है, इंटू 100, तो कैंसिल हो जाएगा 1/3, उसके बाद 1/3 इंटू 100 कितना होता है, 33.33%। ओके, 33.33% इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, ये आया हुआ है परसेंटेज यानी प्रतिशत वाले चैप्टर से। ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु की कीमत 75 है, कीमत को पहले 20% से बढ़ाया गया और उसके बाद उसको फिर 20% से कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। आप सोच रहे होंगे 75, नहीं, ये गलत आंसर है। चलिए इसका सही आंसर निकालते हैं। देखिए पहले इसका प्राइस कितना था, 75, इसका 20% कितना होता है बताइए, यहाँ पे पॉइंट देंगे उसके बाद डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15, इसका 20% 15 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90। ओके, 75 प्लस 15 90 है। और उसके बाद क्या हुआ कि 20% कम कर दिया गया, जितना भी हुआ आप उससे 20% कम करेंगे। देखिए 90 का 20% कितना होगा, यहाँ पे एक पॉइंट देंगे इसका डबल कर देंगे तो 18 हो गया, तो उसके माइनस कर देंगे तो देखिए कम कर दिया क्या यानी माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 18 कितना होगा, 72। ओके, 72 इसका सही आंसर है। आपको बता दूं, किसी भी नंबर का 10% कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए 991, इसका 10% क्या होगा, हम पीछे से एक डेसिमल दे देंगे यहाँ पे, ये इसका 10% है। ओके, 9.1 इसका 10% है, इसका 20% कितना होगा, इसका डबल कर देते हैं तो 70। देखिए 70 का 10% क्या होगा, पीछे से एक डेसिमल दे देंगे तो 7 हो गया, इसका 20% क्या होगा, 14, 30% क्या होगा, 21। ओके, इसी तरह से निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये वाला बटन दबा करके, और उसके बाद दोस्तों ये बेल का आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप इस बेल का आइकन को दबाएंगे तो ये इस तरफ हो जाएगा, इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, कुछ भी सर्च करना नहीं पड़ेगा, आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। मैं रेलवे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन का PDF लाने वाला हूं। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबका PDF आपको एक साथ मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा।
हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि ट्रेन का चैप्टर से आया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करता है तथा एक 100 मीटर का प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करता है, तो उस रेलगाड़ी का लंबाई कितनी है ये हमको बताना है। मान लीजिए वो रेलगाड़ी का लंबाई है वाई, आपको तो ये फॉर्मूला पता होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड मतलब गति, डिस्टेंस मतलब दूरता और टाइम मतलब समय। ओके, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो फास्ट केस में एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने के लिए 15 सेकंड लगता है, एक खंभा को पार करना यानी रेलगाड़ी का अपना लंबाई को पार करना ये तो सब जानते होंगे, रेलगाड़ी का अपना लंबाई कितना है वाई है, तो उस खंभे को पार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है, तो 15 सेकंड लग रहा है उसका गति क्या होगा वाई बाय 15। और सेकंड केस में जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है अपना लंबाई को तो पहले पार कर रहा है उसके साथ साथ उस प्लेटफॉर्म का लंबाई को भी पार कर रहा है, उसको पार करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है 25 सेकंड बाय 25। ओके, देखिए दोनों केस में ट्रेन का स्पीड तो सेम ही रहेगा। ओके, उसका स्पीड दोनों केस में सेम रहेगा, तो वाई बाय 15 इक्वल टू वाई प्लस 100 बाय 25 है, समझ में। देखिए ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है ये जो रेलगाड़ी चैप्टर का, तो ध्यान से देखिए अभी 25y इक्वल टू 15y प्लस 1500। ओके, समझ में आया, तो देखिए 10y इक्वल टू 1500, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 150। ओके, y इक्वल टू 150 है यानी रेलगाड़ी का लंबाई है 150। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो लगभग आपको 15-20 सेकंड लग जाएगा, लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका है, चलिए उसको भी जानते हैं, जिससे कि आपको बस 3 या 4 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए वो शॉर्ट तरीका है, आप ध्यान से सुनिएगा नहीं तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए वो जो प्लेटफॉर्म है 100 मीटर का, ओके, उसके साथ साथ उसका लंबाई है वाई मीटर का, उसको पार करने के लिए लगता है 25 सेकंड और सिर्फ उसको अपना लंबाई को पार करने के लिए लगता है 15 सेकंड। तो देखिए इसको पार करने के लिए 15 सेकंड और इसको पार करने के लिए 10 सेकंड है, समझ में। सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 10 सेकंड लग रहा है, तो अपना लंबाई को पार करने के लिए 15 सेकंड लग रहा है, तो 10 सेकंड में वो 100 मीटर पार कर रहा है, तो 15 सेकंड में कितना पार करेगा 150 मीटर। देखिए कितना आसान हो गया, 15 सेकंड में वो 150 मीटर पार करेगा, तो हमारा आंसर हो गया 150। 15 सेकंड में वो अपना लंबाई को पार कर रहा है, तो अपना लंबाई यानी 150 मीटर है, समझ में। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ध्यान से देखिए 15-25 का डिफरेंस क्या है 10 यानी 100, तो 15 इक्वल टू 150 है, समझ में। इसी तरह से एग्जाम में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो में जरूर लाइक कर दीजिएगा। हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। ओके, 1000 लाइक्स का, अब उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर जल्दी ही कर देंगे, आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा। कल मैंने आपको दो सवाल पूछे थे कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, और उसके बाद पूछा था कि एसिड रेन में कौन कौन सा अम्ला होते हैं, उनका सही आंसर दिया है लाभ वार ने और पूजा राज ने। ओके, ये दोनों सही आंसर दिए हैं, हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, उसमें जो एसिड होते हैं उसका एसिड का नाम है सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आज का पहला सवाल है 200 रुपए के नोट के पीछे कौन सा चित्र होता है। ओके, 200 रुपए के नोट के पीछे कौन सा चित्र होता है, और दूसरा सवाल है ग्राफाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ओके, ग्राफाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, इन दोनों सवाल का आंसर जो सबसे पहले देगा उनका नाम मैं कल फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो में बताऊंगा। तो फिर चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से आया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकलना है, जो 12, 21 और 8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें निकलना है। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है, तो बी सी बाय ए इसका फॉर्मूला है, यानी 21 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 7, तो 14 हो गया हमारा आंसर। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा बी सी बाय ए यानी 14। और दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल, ओके, उसमें दो संख्या दिया होगा ए और बी, तो उसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बी स्क्वायर बाय ए। ओके, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि बोर्डमास रूल से सवाल आ रहे हैं, सारे शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं, वो सब सवाल मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, बड़े बड़े नंबर हैं 12, उसके बाद 2, ऐसे बड़ा बड़ा नंबर दिया रहता है, उसमें ब्रैकेट होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बोर्डमास रूल से आपको करना है। और दोस्तों पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके, उसमें से 5 सवाल 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए सारे पाई चार्ट के क्वेश्चन को मतलब आसान आ रहे हैं, उतना डिफिकल्ट भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए सब प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, तो चलिए आप
अगला सवाल देखते हैं जो कि आया हुआ है अलजेब्रा चैप्टर से। आपको मैंने बताया था कि अलजेब्रा के फॉर्मूला को रट करके जाना है, सारे फॉर्मूला को रट करके जाना है एग्जाम देने के लिए। एक्स प्लस, अगर आप कहेंगे तो मैं अलजेब्रा का सारे फॉर्मूला का एक वीडियो भी बना दूंगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल अगर ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू होता है। आए समझ में? तो चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस टू यानी फोर का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 माइनस टू 14। तो चलिए और एक बार यहाँ पे वही फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू फिर ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस टू, 196 माइनस टू कितना होता है 194। इसका सही आंसर होगा 194। ओके, हमने सिर्फ यही फॉर्मूला ही अप्लाई किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू। आए समझ में वाला सवाल? चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है संख्या 323 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हैं? दोस्तों दो है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर यानी एक अभाज्य संख्या है, इसके सिर्फ वन है और थ्री टू थ्री ये दोनों ही इसके गुणनखंड हैं। आए समझ में? चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तीन क्रमागत पूर्णांकों के योग 51 है। ओके, तीन क्रमागत पूर्णांकों के योग 51 है तो बीच वाली संख्या क्या है? ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है आपसे। मान लीजिए वो बीच वाला संख्या x है तो उसका अगला संख्या क्या होगा x प्लस वन, उसका प्रीवियस वन क्या होगा x माइनस वन। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 51 होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं x x x 3x माइनस वन प्लस वन जीरो इक्वल टू 51 तो x इक्वल टू क्या होगा बताइए 17 इसका सही आंसर होगा क्योंकि हमने बीच वाला नंबर को अचीव किया था 17। अगर यहाँ पे पूछा होता कि पांच क्रमागत पूर्णांकों संख्याओं का योग 51 है तो क्या करते आप, आपको अज्यूम करना पड़ता x x प्लस वन एक्स प्लस टू और इस तरह भी पीछे में भी x x माइनस टू इस तरह के अज्यूम करना पड़ता। ओके, इसी तरह से अगर आप अज्यूम करेंगे तो आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा, तुरंत ही निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसी तरह के सवाल भी रोज आ रहे हैं कि 50 बाई एक्स ओके और एक्स बाय 12.5 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, उसके बाद 15 इंटू 12.5। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। देखिए 12.5 को आप क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 25, एक स्क्वायर नंबर बन गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 लिख सकते हैं ना 5 इंटू 10। उसके बाद 10 और 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 इंटू 5 25। देखिए इसको भी हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट, इन दोनों का स्क्वायर रूट तो यहाँ से 5 आ गया यहाँ से 5 आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा 25। ओके, इसी तरीके से आप इसको अगर करेंगे तो आपका आंसर सबसे पहले निकलेगा। चलिए अब रीजनिंग का कुछ सवाल डिस्कस करते हैं जो कि आज के फास्ट शिफ्ट में आया हुआ था। जेड यू क्यू यहाँ पे क्या होगा और उसके बाद एल होना है तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं जेड यू क्यू, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है एल है तो जेड का नंबर कितना होता है 26, यू का कितना होता है एस टी यू यानी 21, क्यू का 17 होता है एल का 12 होता है। उसके बाद इसका डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 5 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 4 है, 4 है ना, हाँ 4 है तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 3 और यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 2। ओके, तो देखिए 2 प्लस 3 12 हाँ हो गया, यही रिलेशन होगा तो 17 से अगर 3 कैंसिल माइनस करेंगे तो क्या होगा 17 माइनस 3 14, 14 किसका नंबर है 14 किस अल्फाबेट का नंबर है n का, n इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे n होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बी 16 तो d का यहाँ पे क्या होगा, ये सवाल आया था दोस्तों। ध्यान से देखिएगा कि b का नंबर होता है 2 तो 2 का अगर हम टू दी पावर 4 करेंगे तो 16 हो रहा है ना, देखिए 2 इंटू 2 2 इंटू 2 16 हो रहा है तो देखिए d का भी उसी तरह d का 4 होता है, 4 टू दी पावर 4 क्या होगा 4 इंटू 4 4 इंटू 4 देखिए ये 16 हो रहा है ये भी 16 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 256 इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है जहाँ पे कि पूछा गया है कि इनमें से अलग कौन है, सबसे अलग कौन है यानी फाइंड द ऑड वन 10, 11, 15, 16। ओके, तो ध्यान से देखिएगा 10 एक इवन नंबर है, नहीं
ये नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा कि ये जो 10, 15 और 16 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर नहीं है, ओके। लेकिन 11 एक प्राइम नंबर है, यानी एक अभाज्य संख्या है, और बाकी के कोई भी अभाज्य संख्या यहाँ पे नहीं है। इसका सही आंसर होगा 11, ओके, 11 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल सीरीज से आया हुआ है, ओके। इनमें आपको बताना है कि रंग कौन है। सीरीज का सवाल है, ध्यान से देखिए। 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382 कुछ रिलेशन देखिए। यहाँ पे 4 × 2 + 2, 10 × 2 + 2, तो 22 × 2 + 2, ओके। आप खुद इसका मतलब वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन पैटर्न तो यही हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो में जरूर लाइक कीजिए, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे अनअकैडमी में जरूर जाके फॉलो कीजिए और वहाँ पे मेरा वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा।